Hello guys, I am again here to explain some basic concept of chemistry. It is lecture 10 of this chapter, or I am going to explain the equivalent weight in the term of change in oxidation number. Even though ये concept मैं पिछले lecture से शुरू कर चुका हूँ, oxidation number के बारे में मैंने last lecture में आपको detail में बताया था, लेकिन मैं अब oxidation number group wise discuss कर रहा हूँ. लास्ट लेक्चर में मैंने ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप 7 के डिस्कस किए थे, और इस लेक्चर में मैं ग्रुप 6 का डिस्कशन करूंगा. लेकिन 7 वाला लेक्चर ऑलरेडी काफी लंबा हो गया था, तो कुछ बातें उसमें रह गई थी. बची हुई बात 5 मिनट में बता देता हूं, और फिर इस चैप्टर इस लेक्चर के अंदर हम ग्रुप नंबर 6 की बात करेंगे. तो क्या बात वहां रह गई थी, देखिए मेरे पास कुछ कंपाउंड है Cl2O7, Cl2O5, Cl2O3, Cl2O. यदि आपको यह सोचना हो कि कंपाउंड कहां से आया, तो बड़ा सिंपल है, आपने क्लोरीन की रिएक्शन ऑक्सीजन से करा दी है. व्हेन क्लोरीन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, देन इसके कुछ ऑक्साइड्स फॉर्म हो गए हैं, जो अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर कंडीशन के अकॉर्डिंग 4 वेरिएशन देते हैं. अब यदि आप ये जानना चाहते हैं कि सर ये सारे कंपाउंड किस नेचर के हैं, किस, तो बहुत अच्छी तरह आपको मालूम है मेटल के ऑक्साइड्स हमेशा बेसिक होते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हमेशा एसिडिक होते हैं. ये आपने क्रैम कर रखा है, इवन दो अभी मैं लॉजिकली खोल दूंगा. आपको मोटा मोटा दिखाई दे रहा है ये सारे क्लोरीन के ऑक्साइड्स हैं, और क्लोरीन एक नॉन मेटल है. तो नॉन मेटल के ऑक्साइड दिमाग में मेरा मोटा मोटा आ गया कि ये सारे के सारे एसिडिक इन नेचर होंगे. लेकिन ये सब कौन सा एसिड बनाएंगे, तो आपको बिल्कुल याद करने की आवश्यकता नहीं है. आप चाहे तो पहले इनसे पूछें कि तुम कौन से एसिड हो, तो कई बार ये आपको आपका आंसर नहीं देते. ये कहते मैं नहीं बताऊंगा कि मैं कौन सा एसिड हूं. तो जब कोई आपको आपके बारे में ना बताए, तो मैंने पहले भी कई बार कहा है कि आप उससे दोस्ती कर लें, और जब दोस्ती करते हैं तो उसे क्या करते हैं, कुछ खिलाते पिलाते हैं. तो क्या पिला दें, सबसे सस्ता क्या है, पानी. तो हमारी कंट्री में पानी बहुत सस्ता है, आप चलिए पानी पिला देते हैं. यदि मैं इसको पानी पिलाता हूं, तो देखिए क्या होता है. अगर मैं इन सारे केसों में इसको वाटर दूं, तो सोचिए क्या बनेगा. तो यहां पर बन जाएगा, देखिए जस्ट यूज योर कॉमन सेंस, यहां बनेगा H2Cl2O8, जस्ट H2Cl2O8, H2Cl2O8, यहां बनेगा H2Cl2O6, यहां बनेगा H2Cl2O4, और यहां बनेगा H2Cl2O2. बस एक जस्ट कॉमन सेंस. और ये मैंने बता दिया है कि आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि कंपाउंड कहां से आया, तो उसकी मैंने हिंट करी है आपको. जब क्लोरीन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये सारे कंपाउंड फॉर्म हुए होंगे. जब क्लोरीन की रिएक्शन ऑक्सीजन से हुई होगी, तो सिंपल ये सारे कंपाउंड फॉर्म हुए होंगे. Now you want to know कि ये सारे कंपाउंड किस नेचर के हैं, तो मैंने आपको क्रैम कराया, आपने पहले से याद करा है कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं, और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं. अब आप जानना चाहते हैं कि सारे कौन से एसिड हैं, तो मैंने आपको ट्रिक बताई है कि जब आप कभी पहचान ना पाए, तो उसमें पानी मिला दिया करें, और पानी मिलाने के बाद ही कंपाउंड बने. आप कह रहे सर ये तो अभी भी पहचान में नहीं आ रहे कि कौन से कंपाउंड है, देखिए पहचान में आ रहे हैं. एक ट्रिक निकाली है यहां पर, आप एक काम करिए, इन सारे लोगों में से 2 कॉमन ले लीजिए. यदि आप इनसे 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लेने के बाद देखिए यहां पर क्या बचेगा, यहां बचेगा HClO4, यहां 2 कॉमन ले लीजिए तो यहां बचेगा HClO3, यहां 2 कॉमन ले लीजिए तो यहां बचेगा HClO2, देखिए, और यहां अगर आप 2 कॉमन ले लें तो यहां बचेगा HClO, देखिए. तो यहां पर आपको भले समझ नहीं आ रहा था कि वो कंपाउंड कौन से हैं, लेकिन दोस्ती करी तो कुछ कंपाउंड मिले, और एक थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया तो मुझे 4 एसिड मिलने लगे. ध्यान से देख लीजिए, ये 4 ऑक्सी एसिड हैं, और इन सबके बारे में लास्ट टाइम पे मैंने डिस्कशन किया था. बस मैंने आज आपको यहां ये बताया कि ये आए कैसे. तो यहां पर आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस तरीके से मेरे 4 ऑक्सी एसिड्स आ गए. ऑक्सीजन किसे कहते हैं, सब मैं आपको बता चुका हूं पिछले लेक्चर में. कोई भी ऐसा एसिड जिसमें ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो, और कोई एक एलिमेंट और हो. यहां पर जैसे क्लोरीन है, तो यहां पर ये क्लोरीन के ऑक्सी एसिड्स कहलाएंगे. नाम मैं आपको लास्ट में बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं. अगर आप इन दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, तो एक बात आपको पहले बता दूं, सीएल के ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर रेंज क्या होती है.
सीएल के ग्रुप की ऑक्सीडेशन नंबर रेंज होती है +7 से -1। कैसे पहचाना आपने बात? सीएल का एटॉमिक नंबर 17 होता है, आप कहते हैं 287। जो आपको यहां नंबर दिखाई देगा ये मैक्सिमम नंबर होगा, और मैक्सिमम से 8 माइनस कर देंगे तो मिनिमम आ जाएगा। अब आप पूरी केमिस्ट्री में जब भी सीएल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो इस रेंज से बाहर नहीं जाएंगे, हमेशा आंसर इसके अंदर आएगा। जरा आप इन चारों का निकाल के देख लीजिए, तो यहां पर आएगा +5, यहां पर आएगा +3, यहां पर आएगा +7 और यहां पर आएगा +1। अब ऑक्सीडेशन का नॉमेनक्लेचर मैं बता चुका हूं, दो लोगों में से जो कॉम्पिटिटिवली अग्री, एक्चुअल में हैलोजन की फैमिली में चार ऑक्सीजन बनते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा, और इन चार में से जो बीच के दो हैं इनमें से बड़ा छोटा कर लेते हैं, जो बड़ा वाला है वो इक और जो छोटा वाला है वो अस। मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि इसको मालूम चलता है कि मैं बड़े वाले से भी बड़ा हूं, तो इसके पर निकल आते हैं, इसीलिए आप इसे कहते थे पर इक एसिड, पर इक एसिड। और इसको मालूम चलता था कि मैं छोटे वाले से भी छोटा हूं तो इसको डिप्रेशन हो जाता था, हायर बीपी और लोअर बीपी, ये लोअर बीपी का मरीज बन जाता है, तो इसका नाम मैंने बताया था आपको हाइपोअस। यस, तो इस तरीके से यदि आप अब इन सारे लोगों का नाम लिखें तो आप एक बात जान लें कि ये ऑक्सीएसिड खाली क्लोरीन ही नहीं बनाते, ये ऑक्सीएसिड ब्रोमीन भी बनाते हैं। फिलहाल अगर क्लोरीन में होगा तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा परक्लोरिक एसिड, यहां पर इसका नाम हो जाएगा क्लोरिक एसिड, यहां पर इसका नाम हो जाएगा क्लोरस एसिड, और यहां पर इसका नाम हो जाएगा हाइपोक्लोरस एसिड। ये देखिए, अगर ये सारे लोग बीआर से होंगे तो ये पर ब्रोमिक एसिड, ब्रोमिक एसिड, ब्रोमस एसिड और हाइपोब्रोमस एसिड, और अगर ये लोग आयोडीन के होंगे तो बस जहां पर सीएल लगा है वहां पर आयोडीन लगा दीजिए। तो आपने एक बार नामक लिया सीखा, चारों पे काम करने लगा। मैंने आपको बताया था इन्हीं चारों के लिए अगर सॉल्ट ले आया जाए, सॉल्ट मतलब हम इसमें अगर कोई बेस मिला दें तो ये जो SClO4 है ये बना लेगा NaClO4, यहां पर ये बन जाएगा NaClO3, यहां ये बन जाएगा NaClO2 और यहां पर ये बन जाएगा NaClO। सॉल्ट का नॉमेनक्लेचर जैसे इसके आगे इक और इसके आगे एस लगाते हैं, वैसे से बनने वाले सॉल्ट में जो इक से बनता है उसके आगे एट और जो अस से बनता है उसके आगे आइट लगाते हैं। तो इक से बन गया एट और अस से बन गया आइट, तो पर इक, तो पर इक में आप कहेंगे पर लगा दीजिए और इक की वजह से यहां पर एट लगा दीजिए, और हाइपोअस तो इसका नाम हो जाएगा हाइपोआइट, जहां पर इक है वहां पर एट, जहां पर एस है वहां पर आई, तो नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया सोडियम परक्लोरेट। अगर यहां बीआर होता तो सोडियम पर ब्रोमेट, अगर यहां पर आयोडीन होता तो सोडियम पर आयोडेट। यहां पर आइए, अगर सोडियम है तो नाम है सोडियम हाइपोक्लोराइट, लेकिन बीआर होगा यहां पर तो नाम होगा सोडियम हाइपोब्रोमाइट, और आयोडीन होगा तो नाम होगा सोडियम आयो आयोडाइट, सोडियम हाइपोआयोडाइड। ये हो गया। अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आप ऐसे ही किसी भी इस फैमिली में कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम किसी सॉल्ट का लिख सकते हैं या आप उसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एग्जाम में आ गया एल्यूमिनियम हाइपोआयोडाइड का फॉर्मूला बताइए, कॉम्पिटिशन में आ गया एल्यूमिनियम हाइपोआयोडाइड, अब आपको पता ही नहीं कि एल्यूमिनियम हाइपोआयोडाइड क्या होता है, तो आपको एक बात मालूम है एल्यूमिनियम ये होता है, हाइपो हाइपो आपने दिमाग दौड़ाया आप समझ गए हाइपो नीचे आ रहा है, हाइपो आयोडाइड यहां पर अभी आप लिख रहे थे मेरे लिए NaClO, तब आप कहते थे सोडियम हाइपोक्लोराइट, अगर मैं यहां पर NaIO लिख दूं तो आप बोलेंगे सोडियम हाइपो आयोडाइड, और अगर मैं यहां से सोडियम हटा दूं जिसके ऊपर प्लस चार्ज था तो यहां पर क्या शो करोगे? -1। इसका मतलब है हाइपोआयोडाइड पर -1 चार्ज होता है, और अगर वो एल्यूमिनियम से कंबाइन करेगा तो आप कहेंगे एल्यूमिनियम और हाइपोआयोडाइड के ऊपर -1, और अगर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये बन जाएगा AlO³,
दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम हाइपोआयोडाइड। अगर मैं कहूं अमोनियम हाइपोआयोडाइड का फॉर्मूला बताइए, अमोनियम हाइपोआयोडाइड, तो आप कहेंगे सर मुझे मालूम है अमोनियम पर NH4 प्लस चार्ज होता है और हाइपोआयोडाइड -1, और अगर यहां पर -1 आ जाएगा तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम हाइपोआयोडाइड, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम हाइपोब्रोमाइड। अगर मैं आपसे कहूं एल्यूमिनियम क्लोराइड का एल्यूमिनियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला बताइए, अभी देखिए ये कौन है, ये सोडियम क्लोराइड है और यहां पर अगर आपसे ब्रेक करते हैं तो ये प्लस और माइनस, सीएल है तो क्लोराइड, बीआर होगा तो ब्रोमाइड, और मैंने कहा एल्यूमिनियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला बताइए, तो जहां ClO2 लिखा है अब आप वहां पर क्या लिख देंगे, वहां पर BrO2 लिख देंगे और आप समझ जाएंगे कि प्लस और यहां पर एक माइनस, इस पूरे कंपाउंड के ऊपर -1 चार्ज है जबकि एल्यूमिनियम के पास प्लस 3 चार्ज, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AlBrO2 का होल थ्राइस, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ब्रोमाइड। खैर ये आपको बता दिया मैंने नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑक्सी एसिड्स ऑफ सेवंथ ग्रुप, नॉमेनक्लेचर ऑफ सॉल्ट ऑफ द सेवंथ ग्रुप और इसके रिस्पेक्टिव ऑक्सीडेशन नंबर, इवन तो मैं ये लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका था लेकिन कुछ एक इस सिस्टमैटिक वे में बात रह गई थी तो मैंने बता दी। अब मैं शुरू करता हूं ग्रुप नंबर 6 की बात, तो देखिए मैं जा रहा हूं ग्रुप नंबर 6 के ऊपर जिसे बता रहा हूं मैं, तो ग्रुप नंबर 6 ये हटा दिया मैंने, तो सब ग्रुप नंबर 6 में आने वाले एलिमेंट्स एक बार रिकैप कर लें, कौन कौन से एलिमेंट ग्रुप नंबर 6 में आते हैं। तो ग्रुप नंबर 6 की पोयम अगर आपको याद हो, ऊ स से टीपो, मैंने पॉइंट बताई थी ग्रुप नंबर 6 की, आज मैं आपसे ग्रुप नंबर 6 से डिस्कस करने जा रहा हूं। इट इज ग्रुप नंबर 6, कौन कौन आता है ग्रुप नंबर 6 में, पोयम है ऊ स से टी पो, पोयम बताई थी मैंने, कक्षा बजे जब एग्जामिनेशन हॉल में चीटिंग करते तो कहते हैं उस से टी पो, उससे टीपो, उससे चीटिंग करो, तो ये वही है ऊ स से टीपो। ओके, इस पूरी फैमिली को अगर आपको याद हो तो कहीं बुक में पढ़ा हुआ देखा होगा आपने, इन्हें कार्पोजेंस कहते हैं, इन्हें कार्पोजेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं कार्पोजेंस इनको, कार्पोजेंस एक ग्रीक वर्ड है, इंग्लिश में इसका मतलब होता है ओर फॉर्मिंग स्पीशीज, कार्पोजेंस का मतलब होता है ओर फॉर्मिंग स्पीशीज, यस ओर फॉर्मिंग मतलब जो ओर बनाती हैं। आपने 10th क्लास में बहुत सारे ओर के एग्जाम्पल पढ़े होंगे और 12th में अगर आप हैं तो आपने 12th में बहुत सारी मेटलर्जी पढ़ी होंगी, तो वहां पर आप देखेंगे कि बहुत सारी ओर में सल्फर और ऑक्सीजन आपने कॉमन देखा होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने जिंक की मेटलर्जी में देखा होगा ZnS, जिंक ब्रेड कहते थे इसको, आपने एल्यूमिनियम की मेटलर्जी में देखा होगा एल्यूमिना, या मैं ऐसे लिख दूं तो बॉक्साइट, आपने आयरन की मेटलर्जी में देखा होगा हेमेटाइट, आपने आयरन की मेटलर्जी में देखा होगा मैग्नेटाइट, आपने आयरन की मेटलर्जी में देखा होगा लिमोनाइट, Fe2O3.2H2O, या आपने सिल्वर की मेटलर्जी में देखा होगा Ag2S, या आपने कॉपर की मेटलर्जी में देखा होगा CuFeS2। इस तरीके से अगर आप देखें तो आप ये पाएंगे कि ज्यादातर ओर में या तो सल्फर प्रेजेंट है या फिर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मीन सल्फर और ऑक्सीजन मेन कंटेंट है ओर बनाने के। दिस इज द कॉज, ये लोग जिस फैमिली में आते हैं उनको हमने कह दिया ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स हैं, एंड दिस इज द कॉज हम इनको कार्पोजेंस कहने लगे। तो हमने इनको कार्पोजेंस क्यों कहा ये आपको समझ में आ गया, अब मैं आगे चलता हूं। मैं आपको ऑक्सीजन और सल्फर का डिटेल डिस्कशन कराने जा रहा हूं और यहां पर मैं बात करूंगा सीधे सल्फर से। तो देखिए मैं सल्फर का डिस्कशन करने जा रहा हूं, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, दैट इज 286, और अगर आप यहीं पर सल्फर की रेंज निकाल लें तो मैंने रेंज ट्रिक बताई है कि जो आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन आ रहे हो वो इस एलिमेंट की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर रेंज होती है, और नीचे हो जाता है मैक्सिमम -8, मतलब यहां पर आ जाएगा -2।
अब आप समझ गए कि सल्फर का कोई भी आंसर प्लस सिक्स से ज्यादा नहीं हो सकता और माइनस टू से कम नहीं हो सकता। यदि किसी क्वेश्चन में आपको इस रेंज से ऊपर जाता और नीचे आता दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा क्या कोई गलती कर रहे हैं। खैर, सल्फर के दो लोग बड़े वेल नोन हैं। एक आपने सुना होगा H2SO4, बल्कि मैं आपको ऐसे कहूं कि आप एक काम करो, सल्फर जो आपने लिया है आप इसकी रिएक्शन करा दो ऑक्सीजन से, देखिए क्या होता है। अगर आप सल्फर की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं तो एट डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन और डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में देखता हूं दो तरह की संभावनाएं बनती हैं। यहां पर कभी सल्फर ऑक्सीजन से मिलकर SO2 गैस बना लेता है और कभी सल्फर ऑक्सीजन से मिलकर SO3 गैस बना लेता है। ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हियर कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द सल्फर ऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। इट इज नॉन मेटल एसिडिक होगा, नॉन मेटल एसिडिक होगा, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे कि एसिडिक कैसे होगा। और मैंने ट्रिक बताई है कि जब आप समझ ना पाए, जब आप उसे पहचान ना पाए, जब कोई आपको अपने बारे में ना बताए तो उसे पानी पिलाइए, उसे दोस्ती कर लीजिए। अगर मैं इसको पानी पिलाऊं और इसे दोस्ती कर लूं तो मैं पाता हूं कि यह कंपाउंड कहता है कि सर मैं H2SO3 हूं, जबकि यह कंपाउंड कहता है कि सर मैं H2SO4 हूं। देखिए सल्फर केवल दो ही ऑक्साइड बनाता है, सल्फर अकेला इंडिविजुअल केवल पूरी केमिस्ट्री में दो ही ऑक्साइड बनाता है, या तो वो SO2 बनाएगा या फिर वो SO3 बनाएगा। अब आप यू आर सो मच कंफ्यूज कि सर SO2 एसिड है कि बेस है, तो मैंने ट्रिक बताई, पानी पिला के देख लो, पानी पिलाओगे तो दो कंपाउंड बनेंगे। अब चेक करो क्या ये दोनों ऑक्सी एसिड है कि नहीं। अगर ऑक्सी एसिड की डेफिनेशन फॉलो होती है तो होंगे। क्या डेफिनेशन होती है? हाइड्रोजन होना चाहिए और ऑक्सीजन होना चाहिए, सर है, और साथ में कोई और एक एलिमेंट होना चाहिए, सर सल्फर है, और यहां पर जो और एक एलिमेंट है उसी को इसका हम ऑक्सी एसिड कहते हैं। तो सल्फर का ये कहलाएगा ऑक्सी एसिड, सल्फर का ऑक्सी, और एच प्लस आयन ही उसको एसिडिक नेचर देता है, तो हम कहते हैं सल्फर का ऑक्सी एसिड। अब बात आती है नॉमेनक्लेचर की। मैं देखता हूं यहां पर इसके मेनली दो ही ऑक्सीजन बनते हैं, जबकि पिछली फैमिली में मैंने दिखाया था सीएल के चार बनते थे। जब दो ही बनते हैं तो आप सेंटर के दो पकड़ लीजिए, यहां पर ये इसके दो ही बने और सेंटर के दो पकड़ लीजिए, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप पाएंगे प्लस फोर आ रहा है और इसका नंबर आप पाएंगे प्लस सिक्स आ रहा है। हमेशा जिस अगर दो ही लोग बन रहे हैं, हर फैमिली में अलग अलग को याद रखने पड़ेंगे कहां कितने बनते हैं। सेवंथ ग्रुप में चार बनते हैं और सिक्स ग्रुप में केवल दो बनते हैं, तो दो में से जो बड़ा वाला होगा उसके आगे लगा देंगे एक और छोटे वाले के आगे आप लगा देंगे अस। दिस इज द कॉज, इसका नाम हो जाएगा सल्फ्यूरस एसिड। दिस इज द कॉज, इसका नाम हो जाएगा सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, जबकि इसका नाम हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, जबकि इसका नाम हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। तो आप समझ रहे होंगे कि आपने बुक्स में अस और इक कहां से देखा था। आप हाई स्कूल में बोल तो देते थे कि सल्फ्यूरिक है और ये सल्फ्यूरस है, लेकिन वहां पर लॉजिक शायद आपको नहीं बताया गया या आपने नहीं पढ़ा या आपने ध्यान नहीं दिया। तो सल्फ्यूरिक एक्चुअल में नॉमेनक्लेचर का पार्ट है, दो लोगों में जो ज्यादा होगा वो एक और जो छोटा होगा वो अस। कोई बात नहीं, तुरंत ही सॉल्ट बना लो। अगर मैं इस सल्फ्यूरस से इसका एक सॉल्ट बनाऊं, मतलब इसमें एक बेस डालूं, तो देखिए आप बेस भी इसमें अच्छा एक काम कर लेते हैं, जरा H2SO3 और H2SO4 का डायग्राम ओपन कर लो, क्योंकि डायग्राम ओपन करने से तुमको समझ में आएगा कि यहां पर H की वर्किंग क्या है। इसे कहते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो चलो पहले हम बना लेते हैं इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक में लुईस डॉट स्ट्रक्चर अलग से वीडियो में बता चुका हूं, वैसे पिछले लेक्चर में भी मैं आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर की डिटेल स्टडी दी थी। लुईस डॉट स्ट्रक्चर रूल होता है कि सबसे पहले सेंट्रल एलिमेंट ढूंढो। सेंट्रल एलिमेंट वो होता है जो संख्या में कम है। H2SO3 में संख्या में कम कौन है? सर सल्फर है। ओके, ऊपर सर H2SO3 बनाता हूं, नीचे H2SO4 बनाता हूं, दोनों कंपेयर करिए एक साथ। अब सर अंदर से बाहर वैलेंसी का घटता हुआ क्रम, ओके अंदर से बाहर वैलेंसी का घटता हुआ क्रम, तो इसके बाद आपको बनाना होगा O, कितने O हैं? तीन। सर तीन बना दिए, यहां पर कितने हैं? चार, तो चार बना दीजिए। ये देखिए चार बना दिए। अब सर ऊपर वाले में दो H है, नीचे वाले में भी दो H है, चलिए वो दो H में यहां लगा देता हूं, एक यहां और एक यहां। वैसे आप कहीं भी लगा सकते थे, वैसे आप कहीं भी लगा सकते थे, ऊपर भी लगा सकते थे। यहां पर एच कहां लगाएंगे? यहां 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 यहां, जहां चाहो वहां लगा दो, कोई रूल नहीं है। मैंने यहां लगा दिया, आप चाहो तो एक यहां लगा दो, एक यहां लगा दो, यहां लगा दो, कहीं भी लगा दो, बस दो लगाने हैं। तो मैंने क्या लगा दिया, ट्रेडिशनली बुक में ऐसा दिया, इसलिए मैंने ऐसे कर दिया, मैं लगा यहां भी सकता था,
कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले सेंट्रल एलिमेंट ढूंढो, रूल नंबर वन। उसके बाद अंदर से, सेंटर से बाहर की तरफ वैलेंसी के घटते हुए क्रम में अरेंजमेंट को अरेंज कर दो। सल्फर की वैलेंसी 6, ये मैं बता चुका हूं आपको वेरिएबल वैलेंसी वाले लेक्चर में, सल्फर की वैलेंसी 6 होती है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, एच की वैलेंसी 1 होती है। तो अंदर से बाहर वैलेंसी का घटता हुआ क्रम, मैंने आपको एक दिन वैलेंसी इक्विवेलेंट वेट बराबर मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी पढ़ाया था, और वहां पर वैलेंसी की डिटेल स्टडी दी थी, और वहां बताया था कि ऑक्सीजन, शायद मेरा वो पांचवा छठा लेक्चर था, वहां मैंने बताया था कि ऑक्सीजन की वैलेंसी फिक्स होती है क्योंकि उसमें वैकेंटी नहीं होता, उसकी वैलेंसी 2 होती है, और सल्फर की वैलेंसी 2 भी होती है, 4 भी होती है, 6 भी होती है, उसमें वेरिएबल वैलेंसी होती है। अब एक शॉर्ट ट्रिक बताई मैंने आपको, नंबर ऑफ वैलेंसी बराबर नंबर ऑफ डंडे, जिसके साथ जितनी वैलेंसी होती उतने डंडे लगा दो। एच की वैलेंसी 1, एक डंडा, ओ की वैलेंसी 2, दो डंडे। एच की वैलेंसी 1, एक डंडा, ओ की वैलेंसी 2, दो डंडे। ओ की वैलेंसी 2, दो डंडे। ओ की वैलेंसी 2, दो डंडे। देखिए दिस इज द डायग्राम ऑफ HSO4। यहां देखिए एच की वैलेंसी 1, ओ की वैलेंसी 2, एच की वैलेंसी 1 और ओ की वैलेंसी 2, और यहां देखिए ओ की वैलेंसी 2। इवन दो सल्फर के पास आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन होते, तो यूज कितने हुए, 1, 2, 3, 4। तो आप कह सकते हैं यहां पर सर एक लोन पेयर बच गया होगा जिसने अभी बॉन्डिंग नहीं करी, तो दिस इज योर लोन पेयर, इसने बॉन्डिंग नहीं करी। ओके, दिस इज द डायग्राम ऑफ H2SO3, दिस इज द डायग्राम ऑफ H2SO4। ओके, आप बताइए इसमें ये सारे एच दोनों एसिडिक एच है कि नहीं है। अब एच जब कंपाउंड में आपको दिखाई दे तो ध्यान दीजिएगा, वो एसिडिक एच हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर वो एच स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव मेनली ऑक्सीजन से बाइंड अप है, मेनली ऑक्सीजन, तो वो एच एसिडिक एच होता है, मतलब पानी में जाने पर वो आयोनाइज कर जाता है। लेकिन वो एच अगर किसी और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से बाइंड अप है, मान लो सी से बाइंड अप है, मान लो पी से बाइंड अप है, मान लो सल्फर से बाइंड अप है, तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ऐसे केसों में इसके डायरेक्टली लगे हुए एच आयोनाइज नहीं करते, इसलिए उनको हम एसिडिक एच नहीं कहते। तो आपको पहले यह समझना पड़ेगा कि किस एच को हम एसिडिक एच कहते हैं और किसको नहीं कहते। तो इनको हम एसिडिक एच नहीं बोलेंगे और इस वाले को हम एसिडिक एच बोलेंगे। अब क्या होगा अगर यहां एसिडिक एच है तो कितने एसिडिक एच है? सर यहां 2 एसिडिक एच है। आप बताइए अगर मैं इसकी रिएक्शन NaOH से कराऊं और अलग अलग कंडीशन पे कराऊं, मतलब एक बार एक NaOH ले लूं और एक बार 2 NaOH ले लूं, तो आंसर क्या क्या आएंगे? देखिए जब आप एक बार NaOH लेंगे तो इसका एक OH एक एस से मिलकर एसिड बेस सॉल्ट बनाएगा, तो यहां बच क्या जाएगा, यहां बचेगा NaHSO3। और जब आप 2 NaOH लगाएंगे तो दोनों च रिएक्शन कर जाएंगे, तो बोलो क्या बचेगा, तो बचेगा Na2SO3। NaHSO3 और Na2SO3। अब मुद्दा होता है कि सर इन दोनों के नाम क्या होंगे? नाम मैंने आपसे पहले ही कहा था, अस से, ये अस है, अस से बनने वाले सॉल्ट का नाम आइट होगा, ये भी अस से बना है और ये भी अस से बना, तो दोनों का नाम आइट होगा। इसका नाम कंफर्म है कि सोडियम सल्फाइड है, लेकिन ऊपर वाले नाम में एक चीज देखिए, एक एच वहां पर अभी और है, इसलिए उस एच को हम कहते हैं सोडियम बाई सल्फाइड, बाई का टर्म यूज करते हैं, तो इट इज सोडियम बाई। ये जो बाई लगाया है तो मैंने इस एच के लगाया है, और साथ में लगाया है मैंने सल्फाइड, सल्फाइड इसे लगाया है क्योंकि वो सॉल्ट अस से बना है। यहां पर मैंने इसका नाम क्या रखा, मैंने यहां पर इसका नाम रखा सोडियम, और सीधे बोल दिया मैंने सल्फाइड, क्योंकि तो यहां पर एच नहीं है तो सीधे सोडियम सल्फाइड, तो नाम पर गौर करिए। इनमें से कौन सा सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट है, ये देखिए अगर आप इसके डायग्राम को, इस कंपाउंड के डायग्राम को इस फॉर्म में दिखाएं तो क्या पाएंगे आप, ये NaOH निकल, एक पानी निकल जाएगा तो यहां पर बचेगा Na और वो Na यहां पाया जाएगा। ये देखिए दिस इज द डायग्राम ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। अब मैं पूछ रहा हूं बताओ ये एसिडिक है कि नहीं है? अगर तुम इस सॉल्ट को पानी में डालोगे तो वहां से एसिडिक एच निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ये वाला एच एसिडिक एच है कि नहीं है, क्योंकि O से बाइंड अप है। अगर ये एसिडिक एच है तो इस सॉल्ट को हम एसिडिक सॉल्ट कहेंगे। लेकिन अगर आप ये कंपाउंड बना रहे हैं तो दो बार NaOH कंबाइन करेगा, एक बार इधर से और एक बार इधर से, तो ये वाला भी Na बन जाएगा। अब देखिए इसमें कोई एच नहीं है, इसका मतलब है इसको अगर हम पानी में डालेंगे तो कोई एच प्लस आयन डेवलप नहीं होगा। दिस इज द कॉज इस सॉल्ट को हम एसिडिक सॉल्ट नहीं कहेंगे। तो ये हुआ एसिडिक सॉल्ट और ये हुआ नॉर्मल सॉल्ट। ये बात हो गई यहां पर। यहां पर आ जाइए, सेम वैसे
अगर आप यहां पर एक बार एनओएच लगाएंगे, याद कर दे रहा हूं, अगर आप यहां पर एक बार एनओएच लगाएंगे तो क्या होगा, और अगर आप यहां पर दो बार एनओएच लगाएंगे तो क्या होगा। एक बार लगाएंगे तो ये बाहर निकल जाएगा, तो यहां फिगर क्या बचेगी, केवल एक बार एनए। तो आंसर क्या आएगा, यहां पर आंसर आएगा NaHSO4। ये कंपाउंड कैसा है, इक वाला है, तो इक से जो सॉल्ट बनेगा वो कौन सा होगा, एट होगा। नाम बोलो, सोडियम सल्फेट, नहीं, साथ में क्या लगा है यहां पर, बाई लगा है, तो नाम बनेगा सोडियम बाई सल्फेट। एसिडिक होगा कि नहीं होगा, इसका डायग्राम ये है, इसको पानी में घोलोगे तो ये वाला स्पेसान आयोनाइज करेगा। दिस इज द कॉज, ये सॉल्ट किस नेचर का होगा, ये सॉल्ट एसिडिक नेचर का होगा। अगर तुम दो बार एनएच लगा दोगे तो यह तो निकलेगा निकलेगा, यह भी निकल जाएगा, तो यहां पर एक एनए और आ जाएगा। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, अब इसका फॉर्मूला बनेगा Na2SO4। नाम बोलो, नाम होगा सोडियम सल्फेट। एट क्यों बोला सर, एक से आया है, बाई क्यों नहीं बोला, एच नहीं है, एसिडिक है कि नॉर्मल है, सर नॉर्मल सॉल्ट है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर एच प्लस आयन फ्री फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। तो यह मैंने बताया आपको सल्फर के ऑक्सी एसिड्स और उनका अपना एक नॉमेनक्लेचर। ओके, हम बात आपको आगे बढ़ाते हैं, अब बात को आगे देखिए। अच्छा, ये हटा रहा हूं, बात को आगे बढ़ाते हैं। ना, क्या कोई और एसिड भी संभव है इस हेडिंग के अंदर, मीन्स ग्रुप नंबर सिक्स के अंदर? यस, ग्रुप नंबर सिक्स में कुछ और संभावनाएं भी बनती हैं, जरा उनको देखते हैं। ग्रुप नंबर सिक्स में क्या संभावनाएं बनती हैं, ग्रुप नंबर सिक्स में एक संभावना है इस कंपाउंड की। देखें, ये कंपाउंड है H2SO4, जिसको मैं पहले पढ़ा चुका हूं, जिसका नाम मैं बोला सल्फ्यूरिक एसिड, संभावना खोल रहा हूं। अगर आप H2SO4 के एक नहीं दो मॉलिक्यूल ले लें और उसको हीट कर दें, तो आप पाते हैं कि यहां से वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है, और अगर यहां से वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया तो बोलो फॉर्मूला क्या बना। वैसे पहले बनना क्या चाहिए था, अगर मैं इसके दो मॉलिक्यूल ले लूंगा तो बोलो क्या बनना चाहिए था, H4S2O8 बनना चाहिए था, लेकिन मैंने क्या करा है, मैंने इसे हीट करके यहां से क्या निकाल दिया है, वाटर निकाल दिया है, तो बोलो यहां पर क्या बना होगा, H2S2O7 बना होगा। एंड दिस कंपाउंड इज नोन एज, आपने सुना होगा हाई स्कूल में, दिस कंपाउंड इज नोन एज ओलियम, क्योंकि वो दो सल्फ्यूरिक से बना है, दो सल्फ्यूरिक से बना है। ओलियम इज अ ग्रीक वर्ड, उसको बहुत पहले हिस्ट्री में ओलियम कहते थे, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन यहां पर ये दो सल्फर से बना है, दो सल्फ्यूरिक से बना है, इसीलिए इसका नाम डाई सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है, इट इज डाई सल्फ्यूरिक एसिड। कहते हैं H2SO4 में अगर सीधे SO3 मिला दी जाए, जो SO3 एक गैस है, तो भी ये कॉम्बिनेशन ही दिखाई देता है। देखो, अगर H2SO4 में ये मिला दी जाए तो भी, और चूंकि SO3 वहां पर अगर फ्री फॉर्म में है, जो इसका प्रेजेंटेशन होता है, तो वहां से फ्यूम निकलती है इसकी, तो उसे फ्यूमिंग एसिड कहते हैं। तो कई बार आपको प्रश्न को मिलेगा कि फ्यूमिंग एसिड, आप समझते हैं फ्यूमिंग एसिड क्या है, यही होता है। और फ्यूमिंग कहते क्यों है, क्योंकि उसमें H2SO4 में SO3 मिला देते हैं। इवन दो ये एक अलग लाइन बना रहा था, लेकिन चूंकि कंपाउंड बना था तो मैंने बताया कि बुक में कई जगह इसको ये भी कहते हैं, तो मैं इसका नाम लिख दे रहा हूं। इसी का नाम आपको कई किताबों में फ्यूमिंग एसिड भी देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो कौन है, वो ये है कि जब आप दो मॉलिक्यूलों को गर्म करके पानी निकालकर जो बनाते हैं, उसकी डिफिनेशन होती है पाइरो। पाइरो एक ग्रीक वर्ड है एक्चुअल में, जिसका मतलब होता है हीट। जब किसी कंपाउंड को हीट करके बनाते हैं तो कहते हैं पाइरो से बनाया है, और इसका बेसिकली नाम क्या था, सल्फ्यूरिक, तो इसका नाम क्या हो गया, पाइरो सल्फ्यूरिक एसिड, ये इसका नाम हो गया। तो H2SO7 के चार नाम होते हैं, खैर कोई बात नहीं, चलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लेते हैं, क्योंकि हम परसों मेनली ऑक्सीडेशन नंबर रहे हैं। तो H2SO7 का ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का निकाल लेते हैं, दो सल्फर है तो एक्स मान लिया, ऑक्सीजन 99.9% -2 ही होता है, 7 से मल्टीप्लाई, और H हो जाएगा +1, यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई,
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सबका सम क्या आएगा जीरो, सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 2x माइनस 14 उधर चला गया क्या हो जाएगा प्लस 14, प्लस 2 उधर गया क्या हो जाएगा माइनस 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसका मतलब है x बराबर क्या हो जाएगा 12 डिवाइड बाय 2, 12 डिवाइड बाय 2 दैट इज प्लस 6। ये सही कि गलत है, जो आंसर आया वो सही है गलत है, मैंने बताया थोड़े पहले सल्फर की रेंज क्या होती है, सल्फर की रेंज प्लस 6 और माइनस 2 होती है। अगर आंसर रेंज के अंदर आ रहा है तो ठीक है, और आंसर रेंज के अंदर आया है तो आप समझ गए H2S2O7 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, आपने ऐसे निकाला। आपके मन में बात आती है कि सर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर में हल्का सा वेरिएशन भी आता है, आपको हिंट कर दे रहा हूं सल्फर कई जगह आपको माइनस 2 देखने को मिलेगा और कभी कभी वो माइनस 1 भी देखने को मिलेगा, इसके अलावा भी कुछ नंबर होते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूंगा आपको केमिस्ट्री में 99% ये मिलेगा और अप्रोक्सीमेट 1% ये मिलेगा, अप्रोक्सीमेशन जो बच गया वो संभावना हो सकती है O के ऊपर माइनस 2 की, जो लगभग आपको ना के बराबर देखने को मिलेगी, और कुछ संभावनाएं अगर हो सकती हैं तो वो आने वाले समय पर डिस्कस की जाएंगी, मैं लिख दे रहा हूं हल्का सा। एक संभावना ये भी होती है O2 के ऊपर प्लस 1, लेकिन आपको फिलहाल इनके ऊपर गौर नहीं करना है, आपकी मेन केमिस्ट्री इसकी सराउंडिंग में चलती है। अब आप ये कहेंगे कि सर अगर ये 99% है और ये लगभग 1% है तो हम कैसे जानेंगे कि मेरे इस केस में वो 1% वाला ऑक्सीजन आ गया है, मीन्स आप ये कैसे जानेंगे कि यहां पर कुछ ऑक्सीजन माइनस 2 नहीं माइनस 1 वाले भी हैं। अब ये माइनस 1 वाले ऑक्सीजन को चेक करने का कोई तरीका नहीं है, इसका खाली एक सिंपल कॉन्सेप्ट है वो आपको लगाना पड़ेगा, और वो कॉन्सेप्ट कहता है कि आप कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाएं। स्ट्रक्चर का मतलब है देखिए कैसे, अगर मैं आपसे कहूं H2S2O7 का स्ट्रक्चर बनाओ तो आप कैसे बनाओगे, अब आप ये देखो ये बना किससे है, ये H2SO4 से बना है, तो आप पहले H2SO4 का डायग्राम बना लो, दिस इज द डायग्राम ऑफ H2SO4, और इसके बगल में मैंने एक डायग्राम H2SO4 का और बना दिया, दिस इज द अदर डायग्राम ऑफ H2SO4, और जब मैं इसे गर्म करता हूं तो यहां से वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है इज दिस, आप बोलो क्या बचा, अब यहां बचता है HO, S डबल बॉन्ड O, बीच में आता है ये वाला O, इसके बगल में आता है ये S, कुछ इस तरीके का डायग्राम, सॉरी बीच में एक O, ये S है, कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा, ये देखिए। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मैं कौन सा बता चुका हूं आपको, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बता चुका हूं, दोनों लॉजिक लगा दो जरा, सारे नॉन मेटल्स हैं और नॉन मेटल के बीच बनने वाली सारी बॉन्डें कैसी होती हैं, कोवेलेंट होती हैं। मैं आपको छठे सातवें लेक्चर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बिहार पर बता चुका हूं कैसे पहचानते हैं मॉलिक्यूल कोवेलेंट है कि आयनिक है, फिलहाल ये पूरा मॉलिक्यूल कोवेलेंट है, आप चाहे रट्टा मार लें कि नॉन मेटल है इसलिए, या इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस भी आप चाहें तो देख सकते हैं, अगर आप उससे भी देख सकते हैं। अब अगर आपको मोटा मोटा याद है कि कौन से एलिमेंट ज्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है कौन से कम है, तो आपको याद होगा H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 के आसपास होती है, यस, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग 3.5 के आसपास होती है। अब H और O में सबसे ज्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन है, O है, इसका मतलब है अगर ये बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन में यहां पर देखूं जो कोवेलेंट है वो किस तरफ भागेंगे, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, और अगर वो यहां भागेंगे तो इसको एक इलेक्ट्रॉन का फायदा, इसको एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान, ये माइनस वन और ये देखिए प्लस वन। अगर आप सल्फर और ऑक्सीजन में कंपेयर करें तो सल्फर की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लगभग 2.5 के आसपास होती है, आप एक बार टेबल में देख लीजिएगा, सल्फर की 2.5 होती है, तो अगर मैं O को सल्फर से कंपेयर करूं तो मैं समझ जाऊंगा इस बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन कहां भाग रहा होगा, O की तरफ भाग रहा होगा, बिकॉज O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पर इधर माइनस चार्ज और यहां पर प्लस वन चार्ज आएगा। अब जहां डबल डबल बॉन्डें होंगी वहां पर दो दो इलेक्ट्रॉन भाग रहे होंगे, तो अगर मैं यू भागू ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो यहां माइनस टू और यहां प्लस टू आएगा, और यहां पर अगर मैं इधर भागूंगा तो यहां पर ये माइनस टू और ये प्लस टू आएगा, यहां पर जब इधर भाग रहा था तो ये माइनस वन आया था और ये प्लस वन आया था, चेक करिए, ऐसा करने पर इस सल्फर के ऊपर चार्ज ही आया प्लस सिक्स, दो तो चार प्लस वन प्लस वन, जबकि इस वाले O पर क्या आया माइनस टू, इस पर क्या आया माइनस टू, इस पर क्या आया माइनस टू, और H पे क्या आया प्लस वन। ओके,
मैंने यहां पर भी ओ सारे माइनस टू माने थे क्योंकि मुझे स्ट्रक्चर याद था, मुझे मालूम था यहां पर कोई भी ओ माइनस वन वाला नहीं है, सारे माइनस टू वाले हैं। लेकिन मुझे कैसे मालूम था, मुझे डायग्राम बनाना आता था। अगर आप हर क्वेश्चन को ऐसे करेंगे तो कुछ क्वेश्चन गलत हो सकते हैं क्योंकि आपको पता नहीं कि कौन सा ओ माइनस टू का है और कौन सा ओ माइनस वन का है। तो आप इस ट्रिक को कभी तभी फॉलो कर सकते हैं जब आपको स्ट्रक्चर पहले मालूम हो। और देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉन किस तरह भाग रहा होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन ओ की तरफ भाग रहा होगा, तो यहां पर आ जाएगा इस वाली बॉन्ड पर, तो इस वाली बॉन्ड पर आ जाएगा माइनस वन। जरा यहां पर देख ले, इस वाले ऊपर था माइनस टू इधर प्लस टू, यहां था माइनस इधर प्लस टू, यहां पर था इधर माइनस वन इधर प्लस वन, और यहां पर इसका माइनस वन और उसका प्लस वन। ये इसका माइनस वन उसके रिस्पेक्ट में यहां प्लस वन, ऊपर माइनस टू यहां प्लस टू, यहां माइनस टू यहां प्लस टू, और इसका माइनस वन इसका प्लस वन। ओके, इसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा होगा तो माइनस वन और प्लस वन, यहां ऊपर भाग रहा होगा तो माइनस टू और प्लस टू, यहां नीचे भाग रहा होगा तो माइनस टू और प्लस टू, यहां इधर भाग रहा होगा तो माइनस वन और प्लस वन, और ये देखिए चार्ज क्या आया प्लस सिक्स। अब यहां क्या हो रहा होगा, ये इधर भागेगा तो यहां पर क्या आएगा माइनस वन और ये प्लस वन। देखिए ओ पे चार्ज क्या आया माइनस टू, ये देखिए सारे ओ माइनस टू वाले चेक करिए, ये वाला ओ भी माइनस टू, 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 और ये वाला एच प्लस वन। तो एक्चुअल में आपको कैसे मालूम चल गया था कि सारे ओ माइनस टू वाले हैं और इसमें कोई भी ओ माइनस वन वाला नहीं है? ये आपको इसलिए मालूम था क्योंकि आपको डायग्राम बनाना आता था। अगर आप बिना डायग्राम बनाए ये लिखेंगे तो कुछ क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। कैसे गलत हो सकते हैं अभी बताता हूं। फिलहाल इससे बनने वाले सॉल्ट के बारे में बात कर ले, बताता हूं कि गलती कहां होती है। सपोज करिए मैं इससे एक सॉल्ट बनाता हूं, चलिए सॉल्ट बनाता हूं, अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड में ओलियम में NH मिलाऊंगा तो क्या होगा? मुझे यहां पर दो बार मिला देना चाहिए तो आंसर आ जाएगा यहां पर Na2S2O7। नाम बताइए, इसका नाम है पाइरो और इग लगा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम पाइरो सल्फेट। इसका नाम हो जाएगा सोडियम पाइरो, पाइरो क्यों बोला क्योंकि यहां पर पाइरो था, सोडियम पाइरो सल्फर क्यों बोल रहा हूं क्योंकि सल्फर का बना है सल्फेट, सोडियम पाइरो सल्फेट। एट क्यों लगाया, एट क्यों लगाया क्योंकि इग से बनने वाले सभी सॉल्ट क्या बनाते हैं, एट बनाते हैं। दिस इज द कॉज मैंने इसका नाम सोडियम पाइरो सल्फेट रखा। बताइए अगर मैं आपसे पूछूं कि मैग्नीशियम पाइरोसल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, मैग्नीशियम, अब चेक करिए अगर मैं यहां से इसको ब्रेक करता हूं तो इसका पार्ट पर चार्ज कितना आएगा माइनस टू, क्योंकि यहां पर ये प्लस टू चार्ज है। मैं पूछ रहा हूं मैग्नीशियम पाइरोसल्फेट का, तो आप कहेंगे सर एमजी पर प्लस टू चार्ज और पाइरोसल्फेट पर माइनस टू चार्ज क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इसका आंसर आ जाएगा एमजी S2O7, ये मैग्नीशियम पाइरोसल्फेट हो गया। बताइए अमोनियम पाइरोसल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, तो अमोनियम पर एक प्लस चार्ज, इसके ऊपर दो प्लस चार्ज, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसका मतलब इस तरीके से आप किसी भी सॉल्ट का फॉर्मूला पाइरोसल्फेट के टच में निकाल सकते हैं। ओके, मैं बात आगे बढ़ाता हूं, हटा रहा हूं उसको। अब बता रहा हूं देखिए कहां गलती हो सकती है आपसे। अब एक कंपाउंड देखिए, एक नहीं दो कंपाउंड दिखाता हूं आपको एक साथ और गलती की संभावनाओं को देखेंगे और फिर उस गलती को कैसे इंप्रूव किया जाए इस बात पर भी गौर करेंगे। तो दो कंपाउंड मैं आपको देता हूं, ये बड़े वेल नोन कंपाउंड है, एक का नाम है, ये भी दे रहा हूं, कोई आवश्यकता नहीं दिखाई दिल्ली मुझको, ये भी किया। ओके, अब एक कंपाउंड है मेरे पास H2SO5, इसको हम लोग कैरो एसिड कहते हैं। एक साइंटिस्ट था उसके नाम पर इसको ऑनर दे दिया गया, कैरो एसिड। और एक कंपाउंड है मेरे पास H2S2O8, ये भी एक साइंटिस्ट के नाम पर ऑनर दे दिया गया, मार्शल एसिड। इट इज मार्शल का एसिड, इट इज कैरो का एसिड। अब अगर आपको इस चैप्टर में इस हेडिंग के अंदर आपको दो एसिड दिखाई दे जाए और आपसे पूछा जाए कि बताओ इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, अच्छा क्यों पूछ रहा हूं मैं आपसे ऑक्सीडेशन नंबर,
क्योंकि मुझे इक्विवेलेंट वेट निकालने हैं, भूलिए तो नहीं आप लोग। और इक्विवेलेंट वेट क्यों निकालना है, क्योंकि मैं नॉर्मेलिटी का न्यूमेरिकल लगा रहा हूं, इसलिए मैं ये सारी बातें यहां पर ओपन कर रहा हूं। अदरवाइज बहुत से क्वेश्चन निकलेंगे और बहुत से नहीं निकलेंगे, तो मैं नहीं चाहता कि कोई क्वेश्चन का लॉजिक फंस जाए। जिस हेडिंग की बात होगी उसकी डिटेल में बात होगी, भले ही वो चैप्टर कहीं से भी आया हो। अदरवाइज अगर हम ये आपसे कहेंगे कि इस हेडिंग को हम आगे बताएंगे, तो फिर उस चैप्टर के आधे क्वेश्चन निकलेंगे और आधे नहीं निकलेंगे, और फिर आपको इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता है कि पता नहीं इसका लॉजिक कब बताया जाएगा। कई बार बाद में बताने चक्कर में टीचर के दिमाग से मिस भी हो जाता है, तो हमको छोड़ेंगे नहीं। जिसका नाम आएगा उसको वहीं पर बात करेंगे और डिटेल में करेंगे। चलिए H2SO5, चलिए पहले गलती करते हैं। H2SO5 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, जिसका निकालना उसको एक्स मान लेते हैं। पहले अंधी मारते हैं ट्रिक, नॉर्मल फॉर्म ऑक्सीजन क्या होता है -2, क्योंकि मैंने आपसे कहा था ऑक्सीजन -2 99% होता है, तो मैंने गेस कर लिया वही वाला होगा, देखते क्या होता है। कई बार 5 से मल्टीप्लाई, यहां पर एच क्या है +1 मल्टीप्लाइड बाय 2, लॉस कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सम कितना आएगा 0, पूरा सॉल्व करिए, ये 10 और ये 2, तो x बराबर हो जाएगा +10 और +2 उधर गया -2, यहां पर आंसर आया +8। बोलिए सही है कि गलत है, सही है कि गलत है, इट इज रॉन्ग, क्योंकि सल्फर की रेंज होती है +6 से लेकर -2। ये देखिए आपको सल्फर की रेंज बताई गई थी, इट इज प्लस सिक्स से लेकर -2, आंसर इस रेंज और इस रेंज के बाहर नहीं जा सकता, गया तो गलत है। और देखिए आंसर बाहर गया, दिस इज द कॉज, ये रॉन्ग है। अब अगर ये रॉन्ग है तो हमें कैसे मालूम चलेगा गलती कहां हो गई? गलती यहां पर हो गई कि आपने सारे ओ को -2 मान लिया। मैंने पहले ही कहा है कि आप बिना स्ट्रक्चर देखे किसी को -2 या -1 नहीं मानेंगे, हम पहले उसका स्ट्रक्चर देखेंगे और उसके बाद एग्जाम में हमें पहले से मालूम होता है कि कहां के ओ -2 है और कहां के ओ -1 है, और तब हम एग्जाम में शॉर्ट में कर अपना टाइम बचा लेते हैं। लेकिन अगर आपने उसका स्ट्रक्चर एक बार भी नहीं देखा है और सीधे आप ये न्यूमेरिकल ऐसे लगाएंगे तो आपके बहुत से क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो चलिए H2SO5 का स्ट्रक्चर देखते हैं। जब मैं H2SO5 का स्ट्रक्चर देखता हूं तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने की ट्रिक क्या होती है? मैंने कहा था सेंट्रल एलिमेंट बीच में और अंदर से बाहर वैलेंसी का घटता हुआ क्रम, कितने हैं मेरे पास? 5 लगाए, कितने हैं 4, इसलिए अभी आपको एक ओ और लगाना चाहिए, वो मैंने ये लगा दिया। सल्फर की वैलेंसी 6 और ओ की वैलेंसी 2, तो 6 2 और 2 वैलेंसी का घटता हुआ क्रम, 6 2 6 2 6 2। अब आप कहेंगे 2 के बाद 2 आ गया, तो ठीक है हम घटते हुए क्रम में लगाने की कोशिश कर रहे थे, यहां पर बराबर है। अब एक एच है, अब वो एच कहां आएगा? उस वाले एच को आप यहां लगा दीजिएगा। अगर आप इस वाले एच को यहां ना लगा के कहीं और लगाएंगे तो फिर इस वाले ओ की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। तो ये मत सोचिएगा यही क्यों लगाएं, कहीं और क्यों लगाएं, कहीं और लगा के देख लीजिएगा। अगर सपोज करिए आपने यहां लगा दिया तो बताइए इस वाले ओ की वैलेंसी कैसे सेटिस्फाई करेंगे आप? दो डंडे होते हैं, लगा दो, ऐसा करते हैं इसकी भी सेटिस्फाई हो गई, तो फिर आप ये सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, तो गलत हो जाएगा। दिस इज द फॉल्स, यहां पर आप ये वाला एच यहां लगाकर यहां लगाइए। अब आप देखिए अब वैलेंसी पूरी हो रही है, एच की वैलेंसी 1, ओ की वैलेंसी 2, ओ की वैलेंसी 2, इधर O की वैलेंसी 2, इधर भी O की वैलेंसी 2, और यहां पर भी H2 था मेरे पास, तो मैं एक H का इस्तेमाल करके और कर सकता हूं। अब एक H इस्तेमाल चाहे यहां लगाओ, चाहे यहां लगाओ, चाहे यहां लगाओ, कहीं लगा सकते हो, कोई रूल नहीं है। तो मैं एक H यहां लगा देता हूं, ये देखो, दिस इज अ डायग्राम ऑफ H2SO4। एच की वैलेंसी 1, डंडा 1, ओ की वैलेंसी 2, ओ की वैलेंसी 2, ओ की वैलेंसी 2, ओ की 2, ओ की 2, ओके। नाउ चेक चार्जेस ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ भागेगा तो -1 और +1, और यहां ध्यान से देखिएगा दोनों की ताकतें बराबर हैं, इसलिए इनका इलेक्ट्रॉन किसी भी तरफ नहीं भागेगा, ये सेंटर में ही बना रहेगा। दिस इज द कॉज, इसके ऊपर चार्ज 0 आएगा और यहां पर भी चार्ज 0 आएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन नीचे भागेगा, अगर ये यहां भागा तो ये आएगा +1 और ये आएगा -1। इसमें ये इस तरफ भागेगा तो यहां पर आएगा -2 और यहां पर आएगा +2। इसमें ये इधर भागेगा तो यहां पर आएगा -2 और यहां पर आएगा +2। इसमें सिंगल बॉन्ड है, इधर भागेगी तो यहां पर आएगा -1, यहां आएगा +1। और कुछ रह गया? नीचे से आया, इधर से -2 +2 -2 +2, एक ये रह गया। देखिए यहां पर O और सल्फर देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन O की तरफ भागेगा, तो इस O पर आएगा -2 और यहां पर आएगा +1। चेक करिए जरा इस सेंटर वाले सल्फर पर कुल चार्ज कितना आया, इस पर चार्ज आया है +6 और आप यहां क्या निकाल रहे थे +8, और 6 मेरी रेंज के अंदर आ गया है, सही है मेरा आंसर। गलती कहां हो रही थी? आप सारे ओ को -2 मान रहे थे। चेक करिए
पांचों ओ शायद माइनस टू नहीं है, एक ओ माइनस टू का है, ये वाला ओ माइनस टू का है, ये वाला ओ माइनस टू का है, लेकिन यहां पर दो ओ ऐसे हैं जो माइनस वन के हैं। ये बात आप बिना डायग्राम देके कंफर्म नहीं कर सकते थे। तो अब आप एग्जाम में अगर इस क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक फॉलो करेंगे तो अब आप एग्जाम में इसको ऐसे लिखेंगे, ये देखिए जो पांच ओ आपको एक साथ दिए गए थे एक्चुअल में वो दो भागों में बटे हुए हैं, इनमें से कुछ ऑक्सीजन माइनस टू वाले हैं और इनमें से कुछ ऑक्सीजन माइनस वन वाले हैं। दिस इज द कॉज आप सॉल्व करेंगे एक्स माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय थ्री और यहां सॉल्व करेंगे माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय टू और यहां पर होगा प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय टू और सबका सम जीरो, तो माइनस टू और प्लस टू कैंसिल हो गया तो एक्स बराबर क्या आ गया प्लस सिक्स। ओके तो ये हो गया कैरो एसिड का एक्सप्लेनेशन, कोई बात नहीं। चलो कैरो एसिड से इसका सॉल्ट बनाते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहूं जैसा सॉल्ट बनाओ, तो आपने कहा कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल है H2SO5 जिसका नाम है कैरो एसिड। कैरो एसिड तो कॉमन नेम है, इसको साइंस में किस भाषा के नाम से जानते हैं? देखिए इसका साइंस में क्या नाम है, इसका नाम है साइंस में सल्फ्यूरिक एसिड। अजीब लग रहा होगा सुन के आपको, मैं जानबूझ गलत बोल रहा हूं, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। सही इसका नाम है? नहीं। क्यों? देखिए इसका नाम अगर मैं सल्फ्यूरिक करना चाहूं तो कितना बदलाव करूंगा। देखिए अब देखिए जरा, मैं ये और हटा देता हूं, अब बोलो इसका नाम H2SO4। यस H2SO4 ये सल्फ्यूरिक है। अब सल्फ्यूरिक में बदलाव क्या आया, एक ओ आ गया और उसके आते ही ये वाला ओ और ये वाला ओ माइनस वन हो गया। जब ओ माइनस वन हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं परऑक्साइड। परऑक्साइड ओ माइनस वन अगर होगा तो हम परऑक्साइड बोलते हैं। परऑक्साइड की पहचान और है, ओ के साथ ओ बैठा होगा तभी हम बोलते हैं परऑक्साइड। तो जो पर किसी के ऊपर बैठा हो तो ओ पर बैठा ओ, दैट इज परऑक्साइड। तो परऑक्साइड जो टर्म है वो ओ के लिए लिया जाता है जब ओ माइनस वन हो। तो यहां पर कितने परऑक्साइड हैं, यहां पर कितनी बार ओ पर ओ बैठा है, यहां पर कितनी बार ओ पर ओ बैठा है? तो आप कहेंगे सर यहां पर केवल एक बार ऐसा है जब ओ पर ओ बैठा है, इसका मतलब ये मोनो परऑक्साइड है। तो इसके आगे टर्म लगा दीजिए मोनो परऑक्सी, मोनो परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड इसका नाम हो गया। समझा मैं बता रहा हूं, बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड है उसमें ऑक्सीजन पर ऑक्सीजन जब बैठा है तो परऑक्सी कहते हैं, इसमें एक बार परऑक्सी है तो इसका नाम हो गया मोनो परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए इसका नाम हो गया मोनो परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, मोनो परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। अब चलो इसमें बेस बनाते हैं, अगर मैं इसमें NaOH मिला दूं दो बार तो बोलो आंसर क्या आ जाएगा, Na2SO5। अब बोलो नाम मोनो परऑक्सी, यहां पर हम भी लिखेंगे नाम से कर लें, सोडियम लिख दो पहले, नाम हो जाएगा सोडियम, बस अब उसकी बात लिख दो सोडियम मोनो परऑक्सी सल्फ्यूरिक, रिड की जगह पर हो जाएगा एट, तो नाम हो जाएगा सोडियम मोनो परऑक्सी सल्फेट, सोडियम मोनो परऑक्सी सल्फेट। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां से अगर मैं इसको अलग कर दूं तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा माइनस टू और ये है प्लस टू। अब मैं आपसे मैग्नीशियम का सॉल्ट पूछूं परऑक्सी के लिए, मैग्नीशियम का पूछूं, एल्यूमिनियम का पूछूं, अमोनियम का पूछूं, दुनिया में किसी भी एलिमेंट का पूछ लूं, आपसे इतना ध्यान रखिए कि परऑक्सी कहते हैं किसको है, SO5-2 को परऑक्सी कहते हैं। तो सोडियम परऑक्सी क्या होगा, पोटेशियम परऑक्सी क्या होगा, मैग्नीशियम परऑक्सी क्या होगा, अमोनियम परऑक्सी क्या होगा, एल्यूमिनियम परऑक्सी क्या होगा, सब निकल आएगा। खैर ओके, तो यहां पर मैंने बताया आपको कैरो के बारे में, बात आगे बढ़ती है और बताता हूं मैं आपको मार्शल के बारे में। जरा मार्शल देखिए, ठीक है तो चलिए आगे देखते हैं मार्शल एसिड। तो मार्शल एसिड की अगर हम बात करें तो पहले चेक कर लें क्या गलती हो रही है, इट इज 2x ऑक्सीजन माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल टू क्या करना चाहिए 0
तो 2x बराबर प्लस 18, 8 दूनी 16, दैट इज प्लस 16, प्लस 2 उधर गया, दैट इज माइनस 2, 2x बराबर प्लस 14, x बराबर प्लस 7, बोले सही करा गलत किया, ऑब्वियस गलत है, क्योंकि सल्फर की जो रेंज होती है वो प्लस 6 से लेकर माइनस 2 होती है और आप 7 लगा के बैठे हुए गलत है। क्या गलती हो रही है? गलती वही हो रही है जहां पर आपने सारे ओ को माइनस 2 मान लिया, आपने अभी एक क्रॉस चेक करा ही नहीं कि इसमें सारे ओ माइनस 2 वाले हैं कि एक आधो माइनस 1 वाले हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना बहुत अच्छी तरह आना चाहिए ताकि आप समझ पाए कि मॉलिक्यूल की गहराई में छुपा क्या है। चलिए देखते हैं, अगर मैं यहां से इसका डायग्राम, इस कंपाउंड की सोच बनाऊं कि आया कहां से होगा, तो ये भी बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड से ही आता है। देखिए ये मेरे पास एक सल्फ्यूरिक है और मैं इसमें एक सल्फ्यूरिक और लगा दे रहा हूं, देखिए ये भी मेरा एक और सल्फ्यूरिक है, दो सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन इस बार यहां से खाली H2 निकलेगा, पानी नहीं। अगर पानी निकलेगा तो पाइरो कहलाएगा, मैं पाइरो नहीं बना रहा हूं, एक नई चीज बना रहा हूं। अगर मैं ऐसा कर देता हूं तो ये बचा क्या, अब मेरे पास फिगर बचेगी HO, S डबल बॉन्ड O, O से O का लिंक, तो O से O का लिंक, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, O बच, देखिए ये फिगर बनेगी। ध्यान से देखिए इसमें किसका ऑक्सीजन क्या आया, इधर आएगा प्लस 1, यहां पर माइनस 1, इधर से माइनस 1 प्लस 1, इन दोनों से माइनस 2 प्लस 2, यहां पर माइनस 2 प्लस 2, इससे माइनस 1 प्लस 1, यहां से दोनों के इलेक्ट्रोनिटी सेम है इसलिए इस पर कोई चार्ज नहीं आएगा, ये देखिए जीरो लिख दिया मैंने, यहां पर इसकी वजह से माइनस 1 प्लस 1, माइनस 2 प्लस 2, माइनस 2 प्लस 2, माइनस 1 प्लस 1 और प्लस 1 माइनस 1। यदि मैं ऐसा करता हूं तो ये वाला O माइनस 2 है, ये वाला O माइनस 2 है, ये वाला O माइनस 2 है, ये माइनस 2 है, ये माइनस 2 है, ये माइनस 2 है, लेकिन ये वाले दो O माइनस 1 है। मीन्स आपने यहां पर सारे O को माइनस 2 मान के सॉल्व किया था, यही गलती करी थी। सच्चाई में सॉल्व कैसे होना चाहिए था, आपको ये कहना चाहिए था कि H2 S2 O6O2 होता है, सारे O एक साथ नहीं लिखने चाहिए, 6 ऑक्सीजन एक तरह के हैं, 2 एक तरह के हैं, 1 2 3 4 5 6 एक तरह के हैं, 2 एक तरह के हैं, तो अब आप इसे कहेंगे 2x, ये वाले ऑक्सीजन माइनस 2 वाले हैं जबकि ये वाला ऑक्सीजन माइनस 1 वाला है, और यहां पर आप कहेंगे प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, इसका सम हो गया 0, माइनस 2 प्लस 2 गया तो 2x बराबर हो गया 12, तो x बराबर क्या हो गया 6, देखिए रेंज के अंदर आ गया। ओके, इसका नाम था मार्शल एसिड, लेकिन इसका एक नाम और बोलिए। अब देखिए ये जो मार्शल एसिड था इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा, ये दो सल्फ्यूरिक से मिलकर बना है, सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक, तो एक बात तो कंफर्म है कि इसमें डाई सल्फ्यूरिक आ रहा है। ओके, साथ एक बात और है, इसमें एक बार परऑक्साइड भी आ रहा है, तो नाम क्या हो गया, परऑक्सी, चाहो तो आगे लिख दो मोनोपरऑक्सी, मोनोपरऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, जबकि पीछे वाला क्या था, मोनोपरऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, वहां पर एक बार सल्फ्यूरिक था, एक बार परऑक्सी था, यहां पर दो बार सल्फ्यूरिक है और एक बार परऑक्सी है, तो आप इसे डाई सल्फ्यूरिक क्यों बोल रहे हैं, दो सल्फ्यूर से बना, और मोनोपरऑक्सी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक बार परऑक्सी आया है। ओके, अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें कोई सॉल्ट मिला दो, इसमें कोई बेस मिला दो, बताओ उसका नाम क्या होगा, तो Na2H2S2O8 में अगर NaOH मिला दिया जाए तो जो कंपाउंड बन रहा है वो होगा Na2S2O8, इसका नाम है परॉक्सी और डाई सल्फ्यूरिक, तो बोलो इसका नाम क्या हो जाएगा, परॉक्सी तो रहेगा ही, पहले सोडियम लिख दो, इसका नाम हो जाएगा सोडियम, फिर आ जाएगा परॉक्सी, फिर आ जाएगा डाई, फिर आ जाएगा सल्फ्यूरिक और एक की जगह पर आ जाएगा 8, इट इज सोडियम परोक्सी डाई सल्फेट, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री में एक किसमें कन्वर्ट हो जाता है, 8 में। अब यहां पर ये क्वेश्चन सोडियम से हो, पोटेशियम से हो, अमोनियम से हो, आप जिससे चाहे उससे कंपाउंड का सॉल्ट का स्ट्रक्चर और उसका आप नाम लिख सकते हैं। ओके, 5 मिनट और लेंगे, अब हटा रहा हूं उसको, एक केस और बोलते हैं इसका,
वन मोर केस, सिर्फ ग्रुप के अंदर अगर आप इस स्पीकर को देखें एक बार और बताएं इसका नाम क्या है। सर इसका नाम सल्फ्यूरिक एसिड है, बिल्कुल सही कहा आपने। अब एक काम करता हूं मैं, यहां से एक एस को मैं ऐड करता हूं और एक ओ को यहां से बाहर निकालता हूं, एसिडिक वाले ओ में छुइएगा, या तो यहां से वो निकाल दो या फिर यहां से कोई एक, तो फिगर क्या आ जाएगी, फिगर आ जाएगी एच ओ एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड एस ओ एच। यदि आप ऐसा करते हैं तो एक्स्ट्रा सल्फर को हम थियो के नाम से केमिस्ट्री में जानते हैं। जब भी कभी आपको केमिस्ट्री में एक एक्स्ट्रा सल्फर दिखाई दे तो आप कहते हैं थियो। तो इस कंपाउंड का बेसिक नाम क्या था, इस कंपाउंड का बेसिक नाम था सल्फ्यूरिक, और यहां आप कह रहे एक एक्स्ट्रा सल्फर आ गया, और सल्फर को हम लोग एक्स्ट्रा सल्फर को थियो बोलते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा थियो सल्फ्यूरिक। ये देखिए इसका नाम है थियो सल्फ्यूरिक। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देख लीजिए, यहां पर क्वेश्चन दो तरीके आ सकता है, बताएं यहां पर सल्फर का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, या बताएं यहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। मतलब देखिए कैसे मतलब है, जब मैं आपसे पूछूंगा कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, तो आप कहिएगा सर यहां पर दो तरह के सल्फर हैं, सल्फर वन सल्फर टू, नाम दे दीजिए वन और टू, और दोनों का नंबर अलग लगाएगा। चेक करिए, जब सल्फर सल्फर में बॉन्डिंग होगी तो ना इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा ना ऊपर भागेगा, दिस इज द कॉज, यहां पर चार्ज नहीं आएगा। लेकिन जब एस और ओ में होगा तो यहां माइनस वन यहां प्लस वन आएगा, यहां से माइनस वन प्लस वन आएगा, यहां से माइनस टू प्लस टू आएगा, यहां से प्लस वन माइनस वन आएगा, और यहां से प्लस वन और माइनस वन आएगा। कुछ और तो नहीं रहेगा, नहीं। इस वाले सल्फर में चार्ज क्या आ रहा है, प्लस फोर, इस पर क्या आ रहा है, जीरो। सर यहां पर एक सल्फर ऐसा है जो प्लस फोर वाला है और एक सल्फर ऐसा है जो जीरो वाला है, यह क्वेश्चन भी कॉम्पिटिशन में आ सकता है कि दोनों सल्फर का अलग अलग बताइए। अब वो ये भी पूछ सकता है एवरेज बताइए, अरे तो दो सल्फरों का आंसर क्या आ रहा है, प्लस फोर, और सल्फर है कितने, दो, तो अगर डिवाइड बाय टू कर देंगे तो यही तो उसका एवरेज कहलाएगा। यस, तो आप ध्यान रखेंगे शुरू के सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, सिक्स, लेकिन यहां पर सल्फर का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, प्लस टू। जब ऑक्सीडेशन नंबर प्लस टू होगा तभी उसका नाम थियोसल्फ्यूरिक एसिड होगा, ये भी खास बात है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप जरा इसके सॉल्ट बना के देखिए, तो जरा मैं सॉल्ट देखता हूं, इसका सॉल्ट मैं बता चुका था, इसके सॉल्ट की बात कर लेता हूं। अगर मैं इसमें कोई एक बेस मिला दूं तो बेस क्या होगा, ये वाला एच और ये वाला एच रिमूव कर देगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, Na2S2O3। नाम बताइए, यहां जो नाम है वही नाम यहां पर आएगा। नया क्या मिल गया आपको, यहां पर आपको यहां पर एक चीज दी गई, सोडियम। यस, सोडियम आ गया, थियो सल्फ्यूरिक, सोडियम के साथ बोल दीजिए थियो सल्फ्यूरिक। ये गलती कर रहे हैं आप, ये एसिड था तो एक था, और ये सॉल्ट है तो एक किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एट में, दिस इज द कॉज, यहां पर आपको एट बोल देना चाहिए, उसका नाम हो जाएगा सोडियम थियोसल्फेट। यस, अब यहां पर सोडियम थियोसल्फेट हो, मैग्नीशियम थियोसल्फेट हो, एल्युमिनियम थियोसल्फेट हो, मैग्नीशियम थियोसल्फेट हो, कोई भी हो, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको सारे सॉल्टों के फॉर्मूले अलग अलग याद नहीं करने पड़ेंगे, और उसका स्ट्रक्चर भी मालूम है, डिटेल भी मालूम है, अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम कर ले जाएंगे। एकदम लास्ट पॉइंट, सल्फर का लास्ट पॉइंट आ रहा हूं, सिर्फ झूठ की बात ही कर रहा हूं। अब एक संभावना इसमें और हो सकती है, जब सल्फर सल्फर से बाइंड अप हो, तो आपको लग रहा होगा तो सर वो तो बता चुके हैं आप, सल्फर सल्फर से बाइंड अप है, नहीं नहीं, डिफरेंट कैसे बता रहा हूं, सल्फर सल्फर से सिंगल बॉन्ड से बाइंड अप हो, अगर ये आपको दिखाई दे, यहां पर डबल बॉन्ड थी, अगर सल्फर सल्फर से सिंगल बॉन्ड से बाइंड अप है, तो ऐसे ऑक्सी भी हमारे पास दो तरह के हैं, एक का जनरल फॉर्मूला होगा H2SnO6, S का मतलब सल्फर जो कई टाइम है, और यहां पर इसका फॉर्मूला होगा H2SnO6, यहां पर था, यहां पर कर लीजिए 4, इट इज 4 दुनिया, इट इज 4, इट इज 6, H2SnO4 और H2SnO6। ओके, यहां पर n का मतलब क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस n, दोनों ही केसों में n का नंबर 2 से 12 तक कुछ भी हो सकता है। अगर n है, अभी नंबर क्लियर नहीं, तब तक मैं इसका नाम रखूंगा पॉली, पॉली का मतलब कोई भी नंबर, 2 4 5 6 7 पॉली, क्या पॉली,
पॉली सल्फर की बात कर रहा हूं, इसलिए थियो आ रहा है, अच्छा सल्फर आ गया है। पॉलीथियो पॉलीथियोनस एसिड बोलते हैं इसको, अस बोल रहा हूं लेकिन एन के साथ, पॉलीथियोनस एसिड, जबकि यहां पर इसका नाम बोला जाता है पॉलीथियोनिक, एक नहीं एन भी लगाया है, पॉलीथियोनिक एसिड। पॉलीथियो पॉली मतलब इसकी बात कर रहा हूं, थियो मतलब सल्फर की बात कर रहा हूं। सर अस और एक का डिफरेंस कैसे ला रहे हैं आप एक काम करना, यहां पर निकाल के देखना, ये सारे माइनस टू वाले होते हैं, माइनस टू दैट इज माइनस टू का मतलब आठ आ जाएगा यहां पर, माइनस फोर और फोर को माइनस टू से मल्टीप्लाई एट, और ये टू सॉल्व करोगे क्या बचेगा सिक्स, और सिक्स को सॉल्व करोगे यहां पर एन से, तो यहां पर नंबर आएगा सिक्स बाई एन। यहां ये सल्फर का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर होगा, जबकि यहां पर देखो छह दूनी बारह, बारह में दो गए दस, और दस को डिवाइड किससे करा रहे निकालने के लिए एन से, तो यहां पर नंबर आएगा टेन बाई एन, ये इसका एवरेज होगा। अब देखिए एवरेज कहां पर ज्यादा आ रहा है, वहां ज्यादा आ रहा है जहां एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा आएगा उसको हम एक बोलेंगे, और जहां एवरेज ऑक्सीडेशन कम आएगा उसको हम अस बोलेंगे, ये लॉजिक है। चलिए एकदम लास्ट पॉइंट, आखिरी मिनट, अगर मैं इन दोनों में बेस मिला दूं, बेस मिला दूं, मान लीजिए मैंने दो बेस मिला दिए तो क्या बनेगा, यहां बनेगा। अच्छा पहले एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम इसका, एक फाइनल एग्जाम्पल ले लें, पहले इसका केस बना लेते हैं एच टू एस फोर ओ सिक्स, और इसका बना लेते हैं हम एक एग्जाम्पल एच टू एस फोर और सिक्स, यहां पर आ जाएगा फोर। आप ध्यान रखिएगा ये जो मैंने एस फोर लिखा है ये एस टू भी हो सकता है, एस थ्री एस फोर एस फाइव एस सिक्स एस सेवन एस एट एस नाइन, डजंट मैटर, जितने भी होते जाएंगे वो सारे ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, आप जितने चाहो उतने लगा दो, शर्त ये दो से बारह होगा, सल्फर में ये प्रॉपर कैटिगेशन की वजह से आती है। मैंने क्या लिया एस फोर, अगर मैंने एस फोर लिया तो वन टू थ्री फोर खाली आप चार सल्फर ही ऐसे लगा सकते हैं, मेरे डायग्राम में चार सल्फर है और ओ सिक्स है और दो एच है, तो आप ओ सिक्स और एच सराउंडिंग में एक हो दूसरा हो तीसरा हो चौथा हो पांचवा हो छठा हो और कहीं पर भी दो एच जहां चाहो, सल्फर की वैलेंसी सिक्स अंदर से बाहर वैलेंसी घटता हुआ क्रम, तो वैलेंसी सिक्स 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 सिक्स, लेकिन ध्यान रखिएगा सल्फर की वैलेंसी टू भी होती है फोर भी होती है सिक्स भी होती है, तो आप जनरलाइज रूप समझिएगा, यहां पर आएगा एच यहां पर आएगा एच, नंबर ऑफ वैलेंसी एच की वन, ओ की टू, देखिए दो हो गई इधर दो यहां पर दो यहां पर टू यहां पर वन और टू इधर से और यहां पर टू, दिस इज डायग्राम ऑफ एच टू एस फोर ओ सिक्स, ठीक है ओके। अब ये मत कंफ्यूज मत करिएगा सर बीच वाले सल्फर की वैलेंसी दो ही है, तो यहां पर इसकी वैलेंसी इसलिए दो है क्योंकि सल्फर सल्फर के इलेक्ट्रॉन खींच नहीं सकता। मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट यहां पर मैंने वेरिएबल वैलेंसी बताई थी, मैं बताया था एक गुंडा और एक शरीफ, मैंने कहा था खुले पैसे पड़े हैं तो कौन उठाएगा, बच्चा भी उठा सकता है और शरीफ भी उठा सकता है, और मैंने कहा था अगर कोई गुंडा होगा तो तिजोरी से पैसे भी निकाल सकता है, तो यहां पर सल्फर अगर सल्फर से बाइंड अप कर रहा है तो जो बाइंडिंग वाला पार्टिकल है वो सल्फर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं रखता, इसलिए वो सल्फर को एक्साइटेड स्टेट में नहीं ले जा पाता, इसलिए उसकी जो नॉर्मल वैलेंसी दो होती है वो वहीं पर रहेगा, वो चार या छह नहीं दिखाएगा, लेकिन ये वाला सल्फर छह वैलेंसी दिखा रहा है, एक दो तीन चार पांच छह, क्यों, क्योंकि इसके साथ गुंडे बैठे हैं, ये गुंडे सल्फर के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को घसीट करके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड में ले आते हैं, इसलिए इस वाले सल्फर को मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखानी पड़ रही है, ये कॉज है। मींस हर चीज केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट है, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, बशर्ते आप कॉन्सेप्ट को खोलते चले जाएं। ओके नाउ, अब आपने कहा मैं इसके साथ एक बेस लगाना चाहता हूं, आप लगा दीजिए बेस, अगर आप बेस लगाएंगे तो ये वाला है जो रोबो वाला निकल जाएगा, अगर आपने दो मोल लगाए तो एक मोल लगाए तो एक निकलेगा, तो आखिरी आंसर क्या आएगा यहां पर Na2S4O6, ये फॉर्मूला आपकी बुक में दिया है और हर बच्चा इस फॉर्मूले का रट्टा मारता है, कहीं किताब में नहीं लिखा है कि इसका लॉजिक कैसे आया है, देखिए परफेक्ट लॉजिक बताया मैंने, इसका नाम हो जाएगा सोडियम, इसका नाम हो जाएगा सोडियम, कितने सल्फर है चार, तो जहां पर आप पॉली लिखा करते थे ना आप उसका नंबर लिखिए टेट्रा, अगर ये पांच होता तो पेंटा, छह होता तो हेक्सा, क्या है बेसिकली थियो का कंपाउंड है, सल्फर कंटेनिंग है, और क्या है नाइट्रिक सॉरी थियोनिक, तो एन तो रहेगा बस एक ही जगह पर क्या हो जाएगा एट, इसका नाम हो जाएगा सोडियम टेट्रा थियोनेट, सोडियम टेट्रा थियोनेट,
जबकि यहां पर अगर मैं करूंगा तो आंसर आएगा Na2S4O4, नाम हो जाएगा सोडियम टेट्राहीड्रल है, थियो भी है, लेकिन ये हो जाएगा सोडियम टेट्रा थियो एन भी है, बस अस की जगह पर क्या हो जाएगा आइट, इसका नाम हो जाएगा सोडियम टेट्राथियोनाइट। अब तुम चाहे सोडियम से बनाओ, पोटेशियम से बनाओ, मैग्नीशियम से बनाओ, सल्फर 4 लेके बनाओ, 6 लेके बनाओ, 10 लेके बनाओ, या सल्फर की चेन लंबी कर दो, छोटी कर दो, जो इच्छा उसको कर दो, कुछ रटने की आवश्यकता नहीं है, सबके पीछे प्रॉपर लॉजिक है। तो यहां पर मैं अपने इस लेक्चर को विराम दूंगा। मैंने आपको सल्फर ग्रुप नंबर 6 के बारे में लगभग सारी बातें बता दी। अगर फिर भी कोई चीज इस लेक्चर से रिलेटेड आपको रह गई हो या कुछ जानने की आवश्यकता हो तो मेरे चैट बॉक्स में क्वेश्चन डालिएगा, जो भी कोई आंसर वहां पर अवेलेबल होगा तो मैं उसको जरूर बताऊंगा। और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। ग्रुप नंबर 6 डिस्कस हो गया है, 5 डिस्कस करेंगे इन द टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन सब्सक्राइब जरूर करिए और लोगों को बताइए, और जरूर पूरा वीडियो देखिएगा, बिना स्किप करे। ये पूरा वीडियो एकेडमिक और कंपटीशन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको ऐसा लिंक्ड चैप्टर, ऐसा लिंक्ड लेक्चर कहीं नहीं मिलेगा। हर आदमी चैप्टर वाइज पढ़ाता है, हर टीचर, और चैप्टर वाइज पढ़ाने में एक दिक्कत आती है कि बहुत सी इंफॉर्मेशन दूसरे चैप्टरों से इंटरलिंक्ड होती है, तो फिर या तो हमने वो चैप्टर पढ़े हुए हो, अदरवाइज हमें केमिस्ट्री समझ में ही नहीं आती, क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन उस चैप्टर की है, कुछ उसकी है। लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग अपना लेक्चर बनाता हूं, जहां मैं चैप्टर वाइज नहीं, कंटेंट वाइज पढ़ाता हूं। मैं आपको अगर ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ा रहा हूं तो उससे रिलेटेड जितनी बातें होंगी मैं आपको यही बताऊंगा, ताकि आपको बात इमीडिएट यही समझ में आ जाए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में ग्रुप नंबर 5 के साथ। बाय।